मेरा नहीं है ये। लेकिन तुझे कहाँ से मिला ये? यही दवा तो भौजी को दी थी अम्मा जी। तू क्या कह रही, ये मैंने नहीं दिया था। नीरू सच्ची बहू, मैंने तो दूसरी दवाई दी थी, खुद अपने हाथों से उसे मिला के मैंने पिलाई थी बहू को। हमें पता है अम्मा जी कि तुमने दूसरी दवा मिलाई थी। तो फिर किसने दी थी ये दवाई? तुम्हारी जीजी ने। इसे पहचानती है जीजी? दरवाजा खोलिए जीजी, आपकी छोटी बहन की खातिर दरवाजा खोल दीजिए। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैंने अपने बहन के परिवार के साथ किया, अपने जीजी को माफ नहीं करूंगी। जीजी क्या कह रही हैं आप? मुझ पर पाप चढ़वाएंगी क्या? तेरा दिल बहुत बड़ा है। तेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देता। ईश्वर ने बहुत कम उम्र में तेरा सुहाग छीन कर तुझे विधवा बना दिया, फिर भी आज तेरे घर पे तेरी चलती है। तेरे सलाह के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये सब उससे देखा नहीं गया। जलन के मारे मैंने तेरे परिवार में अशांति फैला दी। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बड़ी भाग्यवान है तू, नीरू जैसा बेटा और माधवी जैसी बहू पाकर। नीरू बहू ईश्वर साक्षी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आने वाले बच्ची की जान पे बने। मेरी भूल माफ करने लायक नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। नहीं मासी जी, शायद हमारी किस्मत में नहीं था एक और संतान का सुख। जीजी अब तो बच्चों ने भी आपको माफ कर दिया है। तू दादी के साथ मुझे छोड़ के चली जाती। तू हमें पक्का भरोसा था कि तुम्हारे बाबू ढूंढ लोगे और जाने नहीं दोगे हमें। कांता अपना ख्याल रखना। हाँ जी जी, आप भी रखना। हाँ, और अपनी बहू बेटे की बातों का ध्यान मत देना, ठीक है? अरे जब जीजा जी है तो फिर कैसी चिंता। बस बस बस, खुश रहना। बस 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 बस, खुश रहना, जीते रहना बेटा। बस बस हो गया। और जीजे एक बात, अगर कभी आपके बहू बेटे ने आपको सताया तो आप बेधड़क अपनी छोटी मोटी बहन के यहाँ चले आइए, ये भी आप ही का घर है। क्यों नीरू बहू?
मैं तो शालिग्राम जी से प्रार्थना करूंगी कि आपकी बहू बेटे को सद्बुद्धि दे ताकि वो अपनी प्यारी सी माँ को इज्जत करना सीख जाए। ठीक है, बड़ी होशियार है तो लड़की। कांता की छवि है छवि, छोटी कांता, हमेशा सही, कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन अम्मा जी जैसे गुस्सा नहीं करते हम। खुश खुश रहे बेटा, जीता रहे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अपने पापा को देखते हो ना, बड़े होकर तुम भी अपने पापा मम्मी का वैसे ही ध्यान रखना जैसे वो तुम्हारी दादी का रखते हैं। हाँ ठीक तरह से रहना। चल लगी रेस। हाँ, 1 2 3। अभी बताते हैं तुम्हें सागर, देखना दिलीप प्रसाद आज हम सागर का हरा के ही रहेंगे। आज तो हम ही जीतेंगे, देख लेना। आज हमारे पास पत्ते बहुत बेहतरीन। देखो ये वही लड़की है, उसने हमारे साथ पिल्ले के लिए लड़ाई की थी। अच्छा, ये वही लड़की है, एक साथ में बिल्ला भी है। चलो ए, रुक 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 ए, रुक ए लड़की रुक रुक ए लड़की रुक रुक ए लड़की रुक ए लड़की रुक 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 ए लड़की रुक रुक ए लड़की रुक ए लड़की रुक 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 ए लड़की रुक 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 लड़की रुक रुक हमें गिराती है ना, रुक बताते हैं तुझे। रुक रुक पिछली बार ये लोग बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे। चलो लाओ ये पिल्ला हमें दो। नहीं, हम नहीं देंगे, ये हमरा है। दे ये पिल्ला हमें दे। नहीं, ये हमरा है। बहुत दौड़ाया ना हमें, अभी तुम्हारी सारी चलाकी निकालेंगे। दो। नहीं कहा ना। भिखारी गैंग में तुझे बेच देंगे हम लोग, फिर भीख मांगती रहना वहाँ घाट पे, समझी? चल हमारे साथ, चल। नहीं, दो। हम नहीं चलेंगे। दे, ये पिल्ला हमें दे, दो पिल्ला हमें। छोड़ो। दो हम। हमने कहा छोड़ो। दो। हमने कहा छोड़ो। दो। नहीं देंगे हम। दे। दो। आ।
मुझे मारा तूने? हाँ अगर किसी ने गंगा को छुआ भी ना और चले भी बरसात को भी तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या करेगा रे? हाँ क्या करेगा? मारेगा? हाँ मारेगा, मारना। देखो धक्का मत मारो। चल अपनी माँ के पास जा, वहाँ पे जाके रो, उनको बोल मेरे को मारेगा है? अगर गंगा तो पीछे अभी भी वो नाम है तुझे। इस लड़की के लिए तूने मुझे मारा ना? क्या लगती है विधवा तेरी, बोल क्या लगती है? ए, ये पिल्ला हमको दे। छोड़ा। ए, पिल्ला दे मुझे। छोड़ा। पिल्ला दे, छुपा दे पिल्ला मुझे दे। छोड़ा। पिल्ला मुझे दे। मुझे हाथ मत लगा लड़की। ए, पिल्ला मुझे दे। छोड़ा। ए, पिल्ला मुझे दे। नहीं नहीं देंगे। ए, पिल्ला दे मुझे। नहीं देंगे। छोड़ इसे, छोड़ ये दे पिल्ला मुझे। हीरो बन रहा था ना, अब बन हीरो। ए, पकड़ो इसको। बहुत दोस्ती है ना तुम लोगों की, एक को मारो तो दूसरा आता है। छोड़ दो गंगा, छोड़ दो मामा को, छोड़ दो गंगा को। क्या कर रहा है? मर भर गया ना तो लफड़े में पड़ जाएंगे। मार दूंगा मैं इसे। अरे छोड़, चलो रे, चलो यहाँ से। गंगा, सागर, 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 सागर उठो। गंगा। सागर उठो ना, सागर, आँखें खोलो अपनी, सागर, सागर, सागर उठो, आँखें खोलो। सागर, सागर उठो, सागर, बचा कोई, मदद करो सागर की, कोई है? देखो ना सागर को क्या हो गया? हमारी आवाज़ सुन ले। जाने में थोड़ी देर हो जाएगी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वेट मत कर। बाबू। गंगा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बाबू सागर। क्या हुआ सागर को? कुछ हो गया है सागर को, जल्दी चलो नहीं तो वो मर जाएगा। कहाँ? वहाँ। सागर। बाबू, बाबू यहाँ। सागर, सागर बेटा। सागर क्या हुआ? सागर, सागर क्या हुआ तुझे? सागर, सागर बेटा, सागर, सागर बेटा आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। सागर देखो, सागर, सागर बेटा देखो, देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब आ गए ना बेटा, तुम पापा के बहादुर और स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना। सागर अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बाबू और बाऊजी आ गए हैं ना, सब बचा लेंगे तुम्हें। क्या हो गया इसे? सागर क्या हुआ? सागर कैसे है?
सागर की हालत क्रिटिकल है, उसको दिल का दौरा पड़ा, हमने उसे वेंटिलेटर पर रखा है। मुझे मिलना है सागर से। अंदर कोई भी नहीं जा सकता। देखिए सागर की हालत बहुत खराब है, आप तो जानते हैं ये बच्चा जन्म से ही ब्लू बेबी है। उसके दिल में छेद है, सुराख है, और इसीलिए मैंने कहा था उसके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट या ज्यादा थकान ठीक नहीं। आई नो आप लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मगर कार्डियक अटैक के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सागर की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? और कोई ऑप्शन नहीं। सागर की हालत देखने के बाद कोई और ऑप्शन नहीं, सिवाय सर्जरी के। वैसे तो डॉक्टर यही प्रेफर करते हैं, कितना क्रिटिकल ऑपरेशन है 15-16 साल की उम्र में हो। सागर अभी बहुत छोटा है और इस एज में सर्जरी उसके लिए बहुत रिस्की होगी। चांसेस क्या हैं? 80-20। आई मीन 80% रिस्क है और बचने के चांसेस सिर्फ 20%। आप अपने परिवार से डिस्कस कर लीजिए, ये रिस्क लेना चाहेंगे आप सब लोग या नहीं। उसके दिल में छेद है, सुराख है, सागर की सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमें ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। नहीं। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन करने से सागर उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये रिस्क लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, बचने के चांसेस भी तो है ना। पंडित जी को देखा आपने? कहाँ है? नीचे। किसने
किसने? भेलूपुरा वाले महाराज जी को देखा? अरे कहाँ ढूंढोगे? अरे मेरा लल्ला! अरे अम्मा जी, पता नहीं कहाँ हुआ। वो भेलूपुरा वाले महाराज जी को देखा? अरे चलो तो भैया, अरे कोई ने देखा? अरे हट, क्यों मेरा पीछा कर रही है? जान लेगी क्या मेरी? महाराज जी का ढूंढ कहाँ है? वो स्वामी कहाँ है? महाराज जी जी, पंडित जी वहाँ। महाराज जी, महाराज जी, हाय महाराज जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ महाराज जी। आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मेरे लल्ला बहुत संकट में है, उसे बचा लीजिए महाराज जी, पंडित जी से बचा लीजिए। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं इनकी पूजा समाप्त करके आपकी सुनता हूँ। आइए। अरे नहीं महाराज जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आइए। अरे महाराज जी, आप मेरी बात सुनिए। ओ महाराज जी, आप समझने नहीं मेरी बात। मेरा लल्ला जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा। डॉक्टर ने कह दिया है कि कोई संभावना नहीं है उसके बचने की।